Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So as you all know, that we are discussing the manufacturing industries. So today we will be discussing one more industries of our country, and this will be the last in the chapter about industries. So information technology and electronic industries. So this is also based on what? Mineral based industries. So we all know that this is based on mineral based industries. This is also mineral based industries. अब ये मत सोचना कि अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे है, ये इसलिए है क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हम लोग कैलकुलेटर कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ों में मिनरल्स की यूज होती है, ठीक है, लाइक सिलिकॉन, इवन सम यूज गोल्ड एंड ऑल, सो दैट गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स वाई सम आर लाइक गोल्ड प्लेटेड वगैरह होते हैं. सो इन द सेंस यू आर दिस ऑल थिंग्स रिक्वायर मिनरल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड. So when we talk about electronic industries and information technology industries, so these industries covers a wide range of products from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by telecommunication industry. So now telecommunication industries, like aaj ke din mein dekhoge, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स वगैरह है, बीपीओ वगैरह है, देखते हो ना आज के दिन में ये सब के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. हैव यू एवर हर्ड बीपीओ टेलीकॉलर वगैरह, सुने हो कभी? सो ऑल दीज थिंग्स आर गेनिंग ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस इन टूडेज टाइम, ठीक है. तो ये जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे चीज मतलब छोटे से एक जो मशीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक कैलकुलेटर से लेके बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स डिजिटल मशीन्स तक बनाते हैं, ठीक है. सो उसमें देखा जाए हमारा बेंगलोर जो आज के दिन में हैज एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि बेंगलोर हैज एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए क्योंकि बेंगलुरु जो है में बहुत सारे आईटी पार्क्स वगैरह भी है, इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है. और बैंगलोर में ज्यादा से ज्यादा जितने भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का इंडस्ट्री ज्यादा कंसंट्रेटेड है, लोकलाइज्ड है. अब इसका मतलब ये नहीं कि अदर कंट्रीज में अदर स्टेट्स में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है. सो हमारे इंडिया में एसटीपीआई यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी बन रहे. अब पार्क्स मतलब क्या है? ऐसे एरियाज जहां पे सॉफ्टवेयर क्या बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है. क्या बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है. तो आज के दिन में तुम लोग देख रहे हो टच स्क्रीन वगैरह भी देख रहे हो, ये सारा चीज तो क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. कैमरा, इज दिस ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इज दैट क्लियर? एंड जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, इसमें एक चीज आता है कि जो बीपीओ जो पढ़ेंगे, ये बीपीओ आउटसोर्सिंग, यानी कि आज के दिन में मार्केटिंग वगैरह होती है, देखिए ऑनलाइन लोग करते हैं ना, कॉल सेंटर्स वगैरह, ऑनलाइन मार्केटिंग, तुम्हारा सारा चीज कंपनी का एक्सटर्नल यानी कि ये लोग हैंडल करेंगे, ठीक है. तुम्हारा मार्केटिंग से लेके इनकम कितना आ रहा है, डाटा बोलते ना, डाटा कलेक्शन, ये सारा चीज आज के दिन में ये लोग ने क्या कर दिया, बहुत इजी वे में कर दिया है. सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिससे तुम्हारा काम और आसान कर देता है, इज दैट क्लियर? सो ये एक रीजन है कि आज के दिन में ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ रहा है. पहले शुरुआत में थोड़ा कम था ये इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस, लेकिन आज के दिन में ये इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, इज दैट क्लियर? एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर ये है कि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है. इट हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि ये क्या करता है, लोगों को क्या देता है, रोजगारी देता है. उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग फैक्टर ये है कि ये जो है 30% जो है पीपल जो इसमें इंप्लॉयड है, ये कौन है? वुमेन है. सो एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, और अदर जो स्टेट्स हमारे, अदर जो प्लेसेस हमारे देश में है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है, वो है पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. दिस ऑल आर दी अदर प्लेस जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे. बस कैपिटल मानोगे तो कौन सा है? बेंगलुरु है, क्योंकि बेंगलुरु has the highest amount of IT sectors in our country. Is that clear? The continuing growth
in the hardware and software is the key to the success of IT industry. So IT industry आज के दिन में इतना ज्यादा क्यों ग्रो कर रहा है, देखा जाए तो नंबर ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है इसमें हार्डवेयर में एंड सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं आज के दिन में हमारा इंडिया आईटी इंडस्ट्रीज, मतलब इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहा है. यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बनाएंगे फॉर एग्जांपल एक मॉनिटर, उसके अंदर क्या डालेंगे सॉफ्टवेयर. तो आज के दिन में सारा चीज क्या हो गया है, मशीनरी हो गया है, दैट मींस टेक्नोलॉजी ज्यादा चल रहा है. तो जिसकी वजह से हमारे देश में क्या बन रहा है, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का डिमांड बन रहा है. तुम्हारा आज के दिन में देखोगे एक बैंक भी देखोगे तो तुमको एक क्या देता है, एक बैंक का ऐप आ गया है आज के दिन में. एवरीथिंग क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग में आ गया, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सब चीज इसी तरीके से चलता है. आज के दिन में ऐप बनाओ, उसमें लोड करो, तुम्हारा सारा डिटेल्स तुमको घर बैठे बैठे चलता है. तो ये सारी चीजें एक्सेस देता है. तो इसीलिए आपको क्या करता है कि ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है, सक्सेस गेन कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज इट अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. सो नेक्स्ट वन इज दैट टुडे वी विल बी कवरिंग अनदर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो नाउ जितने भी हम लोग ने इंडस्ट्रीज पढ़े हैं तो वो तो सारा चीज हो गया, हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखे हैं, जिसमें हम लोग ने बेसिक इंडस्ट्रीज से लेके सारा इंडस्ट्रीज लगभग मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको हम लोग कवर कर लिए, ठीक है. लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज का हम लोग ने पॉजिटिव पॉइंट देखे कि वो इकोनॉमी में क्या कर रहा है, लोगों को इम्प्लॉयमेशन दे रहा है, इम्प्लॉयमेंट कैसे दे रहा है, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कैसे मदद कर रहा है, ये तो देख लिए. लेकिन वो उनका पॉजिटिव था, लेकिन इनका कुछ ड्रॉबैक्स भी है, और ये ड्रॉबैक्स मामूली नहीं है, काफी बड़ा ड्रॉबैक है या एक प्रॉब्लम है, एक मेजर कंसर्न है हम लोग के लिए. वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो जितने भी इंडस्ट्रीज बन रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से क्या देता है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट क्या होता है, डिग्रेड होता है, मतलब खराब होते जाता है, ठीक है. इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम हैज कॉज्ड पॉल्यूशन ऑन ऑल द स्पेयर रिजल्टिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. यानी कि ठीक है, अच्छी बात है इंडिया के अपने कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन उनका योगदान किस में भी है, पॉल्यूशन में भी है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो इन्वायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन. तो मैंने बोल दिया ऑल स्पीयर्स को क्या करता है, पॉल्यूट करता है. तो इसका मतलब ये है कि लैंड, एयर एंड वाटर, तो लैंड, एयर एंड वाटर ये तीनों स्पीयर को इंडस्ट्रीज छोड़ता नहीं है, पॉल्यूट करता है, ठीक है. और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज भी आते हैं, जैसे कि पॉल्यूटिंग, लाइक थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह भी पॉल्यूशन में उतना ही योगदान देते हैं. नाउ व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट्स, लाइक जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग हीट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में. तो उसमें हीट कहाँ से क्रिएट होगा, कोयले से, कोल से. जब कोल जलेगी तो वो क्या होगी, पॉल्यूशन करेगी. तो थर्मल पावर प्लांट्स का भी उतना ही ज्यादा योगदान है जितना इंडस्ट्रीज का है. तो थर्मल को हटाना नहीं है, ये मत सोचना है केवल इंडस्ट्रीज ये कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम थर्मल पावर प्लांट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से अलग है, पावर जनरेट करती है, वो लोग भी पॉल्यूशन पे क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशंस, इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशंस, ओके. एयर पॉल्यूशंस, ठीक है. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस such as sulfur dioxide and carbon monoxide, ठीक है. So these sulfur dioxide and carbon monoxides are very harmful gases, ठीक है. So these are all emitted by the industries. जब वहाँ पे बहुत सारी processing होती है तो उस type पे क्या होता है कि ये लोग क्या करता है, industries क्या करता है, smoke emit करती है, ठीक है. So कभी कभी मान लो कि chemical industries है या you can say fertilizers industries है, तो वहाँ पे तो chemical का और ज़्यादा use होता है. तो मान लो वो सारे अगर एमिट कर रहा है हवा में, तो हम लोग को क्या करेंगे, वी विल टेक इट, वी विल इनहेल दैट पार्टिकल्स. तो क्या होता है, वो हम लोग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. जैसे कि एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक. सो व्हेनेवर वी सी इन दिस एयर, जब हम लोग अपने हवा में देखते हैं तो ये हवा में बहुत सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे लाइक वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज,
ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हम लोग को क्या बताया, दिखाई नहीं देता है. इट कैन बी आइदर लिक्विड, इट कैन बी आइदर सॉलिड, इज दैट क्लियर. तो वो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इफ यू आर इन अ गुड एनवायरनमेंट वो डस्ट पार्टिकल्स उतना डैमेज नहीं करेगा. मान लो अगर ये फैक्ट्रीज वगैरह भी क्या करते हैं, जब एमिट करते हैं गैसेस के रूप में, तो ऐसे ही डस्ट पार्टिकुलेट जो मटेरियल्स होते हैं वैसे वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डस्ट स्प्रेज मिस्ट एंड स्मोक में हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगा. अगर मान लो ये सारी चीजें, ये स्मोक वगैरह में, ये स्प्रेज जो आती है, जो हम लोग गाड़ी स्प्रेज करने वाले, तो ये जो इतना टाइन टाइनी पार्टिकल्स है हम लोग देखते नहीं है. तो जब हम लोग एटमोसफियर से उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो हो सकता है इट कैन कॉज वेरियस डिजीजेस. ठीक है, स्मोक इज एमिटेड बाई केमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज भी स्मोक बनाता है, ब्रिक क्लीन्स यानी कि ईंट की भट्टी, रिफाइनरीज जहां से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को रिफाइन करते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग प्लांट्स यानी कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो या आयरन स्मेल्टिंग हो, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, हीट जनरेट होती है, धुआं निकलती है, वो धुआं में बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी हार्मफुल गैसेस, सो दैट काइंड अफेक्ट आवर हेल्थ. ठीक है, टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजर्डियस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. टॉक्सिक गैसेस जो होती है काफी लंबे समय तक तुमको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर गैस वगैरह से, पॉल्यूशन से तुमको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है. और ये छोटी मोटी बीमारी नहीं बेटा, ये लॉन्ग टर्म बीमारी रहेगा, ये तुम्हारे जब तक नहीं जाओगे ऊपर तब तक ये तुमको सताते ही रहेगा. ये सर नो, तो क्रॉनिक डिजीजेस एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिजीजेस करती है. ठीक है, सो इस एक हाजर्डियस गैस इफेक्ट तुम लोग एक बार जान सकते हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ था हमारे देश में, जब भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी है उसमें कुछ आई डोंट नो द गैस व्हाट गैस बट गैस लीकेज हुआ था, और वो गैस इतना पोजनस था कि लोग पूरे रात में क्या हो गए थे, लगभग उस एरिया का लोग लगभग मर चुका था, सम डाइड सम गॉट ब्लाइंडेड, समझ रहे हो ना, आंख में जाने से वो अंधा हो गया, बहुत सारे लोग मेंटल हो गए. एक मूवी भी बनाया है उसमें, यू ऑल कैन वॉच. एयर पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमोसफियर एज अ होल. अब बिल्डिंग्स को कैसे इफेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल देख लो, आज के दिन में एक एग्जाम्पल है कि जो उसका जो एक साइन था वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ एसिड रेन्स एंड ऑल. क्यों एसिड रेन्स क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे एटमोसफियर में वाटर वेपर से ज्यादा क्या बन रहे हैं, स्मोक क्लाउड्स बन रहे हैं. ये सुनो, जो नेचुरल क्लाउड्स से ज्यादा क्या बन रहे हैं, स्मोक क्लाउड्स बन रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, एसिड रेन्स जो स्किन कैंसर्स वगैरह लाते हैं. और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, पॉल्यूशन चेक नहीं करता है. अब ये तो हवा को प्रदूषित कर रहा है, एट द सेम टाइम हम लोग पानी को भी नहीं छोड़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन को भी नहीं, वाटर को भी नहीं छोड़ते. जैसे कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंस डिस्चार्ज इन द रिवर्स. चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कोई भी हम लोग एफ्लुएंस यानी कि इंडस्ट्रीज से जो कुछ भी निकल रहा है हम लोग उसको कहाँ पे डंप कर रहे हैं, वाटर में. जितने भी अब निकल रहा है मतलब फिनिश गुड्स नहीं, वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर्स पे क्या कर रहे, डिस्पोज कर रहे. तो सोचो इससे एक्वेटिक लाइफ को क्या होगा. ठीक है, द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज, वो लोग पल्प इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे चीजें क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहा है क्या करने के लिए, वाटर को पॉल्यूट करने के लिए. तो कल्प्रिट मतलब मेन विलेन यही लोग है. ठीक है, अब इससे क्या होता है कि बेटा जितने भी चीजें हम लोग फैक्ट्रीज में यूज करते हैं वो किसी न किसी तरीके से केमिकल से हो या किसी न किसी तरीके से वो एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर के जितने भी लिविंग बीइंग्स है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है. वाटर का लिविंग बीइंग्स छोड़ दो, हम लोग को भी अफेक्ट करेगा. अब कैसे, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. ठीक है, तो जैसे कि लेट आउट डाई, ये लोग क्या करता है, ये देखे जाए तो लेट आउट डाई डिटर्जेंट्स, एसिड्स फेंकते हैं, सॉल्ट्स, हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक्स एंड रबर इनटू द वाटर बॉडीज. तो सोचो ये सारे चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में
फेंक रहे हैं, वाटर में डिस्पोज कर दे। अब पहले पहले सोचा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, हम देखे हैं कि दे डाई दे कनेक्ट देयर ऑल द ड्रेन्स इन द रिवर। वो लोग को लगता है कि भाई रिवर में फेंकने से वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन वो लोग का आसपास साफ रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग नहीं सोचता है कि उस गंदगी से रिवर को क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करता है, आपके वाटर को कलेक्ट करता है। तो आज के दिन में बहुत सारे नदियों में भी देखोगे प्लास्टिक फ्लोट होता रहता है, लगभग देखने को मिलेगा ही, तो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। आज के दिन में वाटर में हम लोग सॉलिड वेस्ट देखेंगे तो यही है, फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील। यानी कि हम लोग मान लो कि किसी भी आयरन ओर से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ तो बचेगा ना भाई। अब आयरन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करेगा, आयरन तो सारा निकाल लिए लेकिन उसमें जो ओर था उसमें से कुछ तो बच जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज को सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो इससे हमारे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, समझ रहे हो ना। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट रिवर डॉल्फिन्स ऑफ गंगा, सो दीज आर आज के दिन में एक परम एग्जाम्पल है, ये इट्स अ गुड एग्जाम्पल। दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट नाउ, दे आर गेटिंग रेयर डे बाई डे एंड इट इज द ओनली फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड, आई होप सो। तो इसमें क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि गंगा आज के दिन में बहुत पॉल्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से वहां के एक्वेटिक लाइफ को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो दोबारा बना सकते हैं लेकिन वो डॉल्फिन नहीं आएगा। अदर वन इज द थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मैंने बोला कि जो हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जब हम लोग हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, जब हम लोग कोल को जला के या फॉसिल फ्यूल्स को जला के हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वी ऑल नो दैट हमारे देश में जो है 61% ऑफ आवर पावर जो नीड है, हमारे देश का जो 61% जो पावर नीड है वो कोल पूरा करता है। कौन पूरा करता है, कोल। उसके अलावा रिमेनिंग जो है नॉन कन्वेंशनल में आ सकते हैं, जैसे हाइडल पावर, ठीक है, एंड यू कैन से विंड मिल्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन थर्मल प्लांट इज अ मेन सोर्स ऑफ पावर इन आवर कंट्री, जिसमें हम लोग कोयला जलाते हैं। तो कोयला को जलाते समय क्या होता है कि वो तो स्मोक तो कर ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो वाटर्स में भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो ठीक हो, अब यहाँ पे पानी कैसे आ गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वी ऑल जस्ट एक एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ थर्मल प्लांट्स वर्क, बट एक आइडिया है कि ये लोग वाटर को बॉयल करते हैं एक प्रकार से स्टीम इंजन, समझ रहे हो ना। स्टीम इंजन में क्या करता है, वाटर वेपर क्या करता है, पुश करता है ना, तो टर्बाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम होती है वैसे ही। तो अब वो जो वाटर ये लोग यूज किया है गर्म पानी, ये पानी को बिना कूल किए हुए क्या कर देता है, ठंडा किए हुए क्या कर देता है, पानी में डाल देता है। दे थ्रो इट अवे इन द वाटर्स इन द रिवर्स, गर्म पानी। अब मछली जो सोचो गर्म पानी में जी पाएंगे, दे आर वेरी सेंसिटिव, ये सब नो। वो लोग जो ठंडे पानी में रहने वाले हैं, वो लोग को डायरेक्टली गर्म पानी मिलेगा तो कैन दे सर्वाइव, वो गर्म पानी में मर जाएगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, दिस वेस्ट वाटर हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो ये सारे चीजें होती है, ये सारे ये थर्मल पावर प्लांट का देन है, क्योंकि वेस्ट पावर प्लांट से न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स लाते हैं कौन, पॉल्यूशन कब करती है, थर्मल। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या होता है कि दे रेडिएट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, वेव्स, जिससे क्या हो सकता है, तुम्हारे बॉडी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब न्यूक्लियर का इफेक्ट देखो, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इफेक्ट देखो या एटम बॉम्ब का इफेक्ट देखो, आज के दिन में भी नागासाकी हिरोशिमा में देखने को मिलता है। अब वो तो इफेक्ट था ब्लास्ट होने के बाद, तो ब्लास्ट होने के बाद उतना इफेक्ट कर सकता है। तो सिंपली ये सारे चीजें हमारे क्या करता है, बॉडी को इफेक्ट करेगा। सो सोइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोज रिलेटेड। अगर देखा जाए जमीन और पानी को देखा जाए तो ये दोनों ऐसे चीज है, दोनों लगभग क्लोजली क्या है, मिलता जुलता है, जमीन और
पानी, दोनों क्लोजली क्या है, रिलेटेड है, और जब पॉल्यूशन होता है तो दोनों को बराबर इफेक्ट होता है या इंटरडिपेंडेंट हो। अब देखो कैसे, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस पैकेजिंग सर्ल्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सोयल यूजलेस। तो जब हम लोग ये सारे चीजें जमीन पे फेंक देंगे तो वो सोयल क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी कम होगी, और ऊपर से रेन वाटर प्रीलोकेट्स टू द सोयल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। देखो अब जितने भी ये सारे चीजें जमीन पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है, तो हमारा बारिश होती है तो रेन वाटर आती है तो रेन वाटर प्रीलोकेट्स मतलब फिर से दोबारा से वो क्या जाएगी, ग्राउंड वाटर के टेबल में क्या हो जाएगी, सिप कर जाएगी। एट दैट टाइम ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है या जितने भी हार्मफुल थिंग्स है, इसका जो पॉल्यूटेंट्स है रिमेनिंग जो भी है, वो अपने साथ ग्राउंड वाटर टेबल मानी अंदर तक लेके जाता है, और वो ग्राउंड वाटर हम लोग क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे चीजें क्या करेगा, पॉल्यूशन कर रहा है और हार्मफुल थिंग्स है, ये हमारे लाइफ को क्या कर सकता है, रिस्क में डाल सकता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट। जैसे कि रेन वाटर जब बारिश होती है तो बारिश जमीन पे गिरेगी ना, तो अगर मान लो वो जमीन पे क्या है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड वेस्ट मटेरियल्स है, तो एट द सेम टाइम वो पानी जब नीचे जाएगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स तो लेके जाएगी ना, जो पानी को पॉल्यूट करेगा वो तो लेके जाएगी। तो उस तरीके से आपका क्या होता है, एरिया को क्या करता है, लैंड वाटर, लैंड सोयल वाटर यानी ग्राउंड वाटर तक को आज के दिन में पॉल्यूशन नहीं छोड़ रहा है। सो द लास्ट वन इज द नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज कैसे पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज इज अ वेरी ग्रेट पॉल्यूशन, ओके, दिखता है मतलब सुनने में आता है। अब ये किस तरीके से लोगों को इफेक्ट करता है, कि जैसे कि बहुत ज्यादा साउंड कभी कभी क्या होता है बेटा, ये एक कारण बन जाता है इरिटेशन होना, गुस्सा आता है। यस, तो एक ही प्रकार के जो एक साउंड होता है ना, जो तुमको अच्छा ना लगे, फॉर एग्जाम्पल, अब सुंदर सुंदर गाना तो तुमको दिल को सुकून देगा, लेकिन देर आर सम थिंग्स जो कि तुम्हारे कान को पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, नॉइज पॉल्यूशन तुम्हारे इरिटेशन एंड एंगर तो करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो ये बहुत सारी चीजें करता है। सिंपल सा चीज है कि नॉइज पॉल्यूशन क्या करता है, तुमको इरिटेशन देगा, तुमको गुस्सा दिलाएगा, आवाज ज्यादा आ रहा है, चुप रहो भाई, इसको बंद करो, डीजे को बंद करो, तुम लोग बोलते हो। उतना ही नहीं, ये तो एक नॉर्मल इफेक्ट हो गया, लेकिन उससे भी भयानक इफेक्ट क्या होता है कि तुम्हारे जो हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि लाउड नॉइज ज्यादा सुनोगे तो कल के दिन में तुम्हारा कान क्या करेगा, कम सुनना शुरू कर देगा, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट। इफ यू मतलब रोज इफ यू आर वॉकिंग इन अ मेटल वर्कर, सोचो कैसे काम करते होंगे, जब लोहा को हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, तो इट गिव्स लॉट्स ऑफ नॉइज नो, तो दिन भर अब वो लोग काम करते हैं, तो सोचो वो लोग को कितना इरिटेशन होता होगा। तो यही चीज है, इट कैन ऑल्सो कॉज फिजिकल इंपेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर में बढ़ सकता है, गुस्सा आएगा तो ऑब्वियसली भाई ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, एंगर, ठीक है, अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, अनवांटेड साउंड, जो साउंड हम लोग को पसंद नहीं है, इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ये एक स्ट्रेस का भी एक क्या बनता है, सोर्स बनता है साउंड्स। सोचो ना, एक दिन एक बार शहर में घूमने जाओ तो वहां पे दिन भर पापू पापू टोटो बजता है, ये फॉर एग्जाम्पल, तो सोचो तुम्हारे एक प्रकार से बॉडी विल गेट टायर्ड ना उसी साउंड को सुन के, सो इट्स लाइक दैट, ओके। एंड इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जेनरेटर्स, सॉज एंड न्यूमैटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। आज के दिन में ये सारे चीज बहुत नॉइज करते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन चल रहा है बहुत आवाज कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो गिट्टी पिसा जा रहा है, घर बन रहा है, और ऊपर से लेबर का हल्ला अलग से, ठीक है, और मशीनरीज तो आवाज करेगा ही, फैक्ट्री इक्विपमेंट आवाज करेगा, जनरेटर्स कान खा जाता है लेकिन सुनता नहीं है, रुकता नहीं है, सॉ मतलब आरी, आज के दिन में वो ड्रिल्स वगैरह आ रहा है जो आता है ना छेदने वाला, वो सोचो कितना इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है, डाई 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 दिन भर, सो ऑब्वियसली कान को तो इफेक्ट करेगा ही, स्ट्रेस भी देगा ही, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर, सो वी विल बी कवरिंग दिस मच फॉर टुडे। आज हम लोग ने नॉइज पॉल्यूशन देखा, थर्मल पॉल्यूशन देखा, वाटर पॉल्यूशन देखा, एयर पॉल्यूशन एंड द इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को हम लोग ने कवर किया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच फॉर टुडे. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू.